दोस्तों, पेट की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक समस्या है। जिन जिन को दोस्तों पेट की समस्या होता है, उन्हें पूछो कितना तकलीफ होता है। सबसे पहले तो कारण पर बात करते हैं दोस्तों, पेट की समस्या क्यों होती है, कौन कौन सी गलतियां करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, कौन कौन सी गलती करते हैं ये इस कारण उन लोगों को पेट की शिकार हो जाता है पेट की समस्या का। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी पेट की समस्या रहेगा ही नहीं, कोई भी पेट की समस्या होगा ही नहीं, और होगा भी तो आप तुरंत ठीक कर पाएंगे। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरे बहनों। सबसे पहले कारण पर बात करते हैं, उसके बाद दवा पर बात करेंगे, उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा उस सब विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण हो दोस्तों गलत सलत चीज़ खाना, जो चीज़ मतलब बहुत ही हार्ड है हमारे मतलब पचाने में, हमारे शरीर पचाने में उसे बहुत समय लगता है। ऐसा गलत सलत चीज़ मत दो अपने आप को, क्योंकि दोस्तों ये सब अगर चीज़ खाएंगे आप जो पचने में बहुत ही समय लगता है, इसमें वो खाना ना शरीर में ही रहेगा, शरीर के अंदर ही रहेगा, पेट में ही सड़ेगा दोस्तों, मगर वो बाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों, बाहर नहीं निकल पाएगा, वो पेट में ही सड़ेगा, और इससे आपका पेट साफ नहीं होगा और टॉक्सिन्स बढ़ेगा शरीर में, और भी कुछ मतलब बैक्टीरिया पेट में बढ़ जाएंगे उसके, मतलब आपको अच्छा नहीं फील होगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा कारण है जो भाई निगल निगल के खाता है, निगल के खा लेता है जल्दी जल्दी स्वाद के लिए, और फटाफट खा लेता है दोस्तों, चबाता ही नहीं। अगर चबाओगे नहीं तो आपका खाने के साथ आपका जो लार्व है जो थूक है वो अगर मिला ही नहीं दोस्तों तो वो खाना नहीं पचेगा। इसके वजह से आपको कब्ज होगा, बार बार आप ऐसे करेंगे यहाँ पर कब्ज अटका रहेगा दोस्तों, बार बार आपको अच्छा नहीं लगेगा, सबके सामने ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद और भी कारण है, जैसे कि पानी ना पीना दोस्तों, बहुत सारे भाई पानी नहीं पीते हैं, पानी ढंग से नहीं पीता दोस्तों, पानी पीने का सारा दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना है दोस्तों, कम से कम 1 से 2 लीटर पानी तो पीना ही है किसी भी हालत में। पानी पीने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं दोस्तों, हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, और पाचन क्रिया भी मजबूत होता है दोस्तों पानी पीने से। उसके बाद और भी कारण है, जैसे कि दूसरा कारण है बहुत ही तला हुआ खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना दोस्तों, उससे पेट का बहुत ही नुकसान होता है दोस्तों, पाचन क्रिया बहुत ही कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो कारण की बात करेंगे, जो भाई फल मूल सलाद नहीं खाते दोस्तों, फल खाना चाहिए, प्राकृतिक का चीज़ है ये सब खाना चाहिए, खीरा गाजर टमाटर दोस्तों, फल भी खाना चाहिए दोस्तों, फल खाने से हमारे पाचन क्रिया मजबूत होता है। उसके बाद जो नियमित व्यायाम नहीं करता, खेल कूद नहीं करता है दोस्तों, हार्ड वर्क नहीं करता है जो, उसका तो पेट का समस्या होगा ही दोस्तों, उसका पाचन भी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। जो जो सारा दिन मोबाइल टीवी या फिर लैपटॉप वगैरह वगैरह गेम के पीछे पागल रहते हैं, उसका ही ज़्यादातर पेट की समस्या होगा। जो सारा दिन बैठे रहते हैं घर में ज़्यादा, उसका ही पेट की समस्या बहुत होगा दोस्तों, उसका खान पान नहीं लगेगा शरीर में, और लगेगा भी तो उसका शरीर का आकार बदल जाएगा, कोई हो जाएगा ज़्यादा फूल जाएगा, कोई ज़्यादा पतला हो जाएगा, मतलब फिट नहीं रह पाएगा। अब आपको कौन कौन सी बात में ध्यान देना है, कौन कौन सी काम करना ही करना है जिससे आपका शरीर स्वस्थ और ताज़ा महसूस करेंगे दोस्तों, अगर पेट साफ हुआ तो। अब दोस्तों इलाज या फिर दवाई की बात करें तो दोस्तों, आप गिलोय तुलसी का रस ले सकते हो दोस्तों, बाज़ार में मिलता है 1 लीटर का बोतल मिलता है, कम से कम 300 से 350 रुपया ले सकता है, या फिर कम भी ले सकता है, जैसे कि पतंजलि का भी ले सकते हो दोस्तों, और भी कंपनी का है दोस्तों वो भी ले सकते हो दोस्तों, स्वच्छ लेना, एकदम अच्छा बढ़िया वाला लेना दोस्तों। गिलोय का भी रस ले सकते हो, गिलोय तुलसी का, या फिर एलोवेरा का ही जूस ले सकते हो, या फिर आंवला का भी जूस मिलता है या दोस्तों, वो भी रस ले सकते हो आप दोस्तों। उसे आप लेने का समय है दोस्तों सुबह लेना है आपको, सुबह जैसे नींद खुल गया, नींद से उठ गए आप, एक गिलास पानी में, एक गिलास नहीं मतलब कम से कम 30 से 40 ml रस में थोड़ा बहुत पानी मिला के पी लिए, पीने के बाद कुछ ही देर बाद आपका पेट साफ मतलब होने के लिए आपको बाथरूम लगेगा दोस्तों, बहुत ही जो शौच लगेगा,
आपकी पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरे बात करें तो दोस्तों एक्सरसाइज भी बहुत ही लाभदायक है इसमें दोस्तों, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे जिसको बहुत 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 ही पेट की समस्या है, किसी भी इलाज किसी भी दवा से किसी भी जूस वूस से काम नहीं हो रहा है, उसके लिए एक ही मतलब इलाज है दोस्तों, आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने से क्या होता है, हमारी शरीर की जितना भी टॉक्सिन्स है जितना भी कुछ है सब कुछ झड़ जाते हैं, सब झड़ जाते हैं। अगर आप एक हफ्ता रनिंग करेंगे दोस्तों, दौड़ेंगे एक हफ्ता कंटिन्यू, तो आपका पेट का कोई भी समस्या जो है वो दूर हो जाएगा दोस्तों। आपका पेट भी स्ट्रांग हो जाएगा और पाचन क्रिया भी मजबूत हो जाएगा, आपको भूख भी खूब लगेगा। देखिए आप ये करके देखिए, मेरे बात मान के देखिए दोस्तों। मैं भी क्या हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी पेट का समस्या था कभी, पर मैं तो ठीक कर लिया, मतलब ठीक हो गया है मेरा, मुझे सब पता है कैसे ठीक करना है ना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी ठीक करो आपकी पेट की समस्या है तो। दोस्तों पेट की समस्या आज के दिन में बहुत बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को होता है, कम से कम 100% में कम से कम 70% भाई बहनों को ये पेट की समस्या होता है, और ये पेट की समस्या बहुत ही खतरनाक समस्या है दोस्तों। इसी से बड़े बड़े रोग व्याधि होते हैं, इसीलिए हर समय हमारे पेट को क्लियर रखना चाहिए, बहुत ही साफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना पचे सड़े पेट में। जो जो भाई मांस मछली खाता है बहुत, उन्हें कहना चाहूँगा मांस मछली यार कम खाओ। ये मांस मछली ना हजम होने में पचने में पेट में बहुत ही समय लगता है, कम से कम 8 से 9 घंटा 12 घंटा तक भी लग सकता है दोस्तों। जो भी मांस मछली या फिर वगैरह वगैरह खाते हो दोस्तों, बहुत ही बॉयल करके खाओ, बहुत ही मतलब पका पका के खाओ दोस्तों। भोजन खाना खाने से पहले आपको सलाद जरूर खाना है, जैसे कि टमाटर गाजर खीरा वगैरह वगैरह और भी कुछ, यार आपको सलाद खाना ही खाना है, इससे आपका पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत हो जाता है। और सलाद खाने से पहले खाना, खाने के बाद नहीं, खाने के बीच में नहीं, खाने से पहले सारे सलाद खा लो, क्योंकि आपका पेट ठंड रहेगा और अंदर जाके पेट बहुत ही ठंड रहेगा और मजबूत हो जाएगा आपका पाचन क्रिया, उसके बाद भोजन खाओ। उसके बाद दोस्तों पेट की समस्या पर प्राणायाम भी बहुत लाभदायक है, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों। अगर प्राणायाम से जुड़ी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, प्राणायाम से जुड़ी वीडियो देख सकते हो दोस्तों। प्राणायाम करने से भी हमारा पेट और शरीर सारे टॉक्सिन निकल जाता है एकदम दोस्तों। प्राणायाम मेडिटेशन बहुत ही काम करता है हमारे शरीर में, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। उसके बाद जो जो भाई दवा हुआ नहीं खा मतलब दवा हुआ नहीं खाने वाले हैं दोस्तों, उन भाइयों को कहना चाहूँगा सुबह उठ के आप कम से कम 2 से 3-4 गिलास पानी पी लीजिए, पेट भर के पानी पी लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका पेट साफ होना ही होना है, पेट भर के पानी पी लीजिए, पीने के बाद आप थोड़ी देर प्राणायाम करें, मतलब नहीं नहीं प्राणायाम मत कीजिए, पेट मतलब पेट भर के पानी पीने के बाद आपका तुरंत बाद ही आपको देखिए शौच लगेगा दोस्तों। आपके पेट साफ होने के लिए आपको शौच में जाना पड़ेगा। जो जो भाई सुबह जल्दी नहीं उठता, सुबह बहुत देर से उठता है, उसका तो मतलब वात पित्त कब्ज की जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा दोस्तों। वात पित्त कब्ज की बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसका पेट साफ नहीं हो पाएगा। जो बहुत देर से उठता है, जैसे 9 बजे सुबह उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, दोस्तों सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें, कम से कम 5 बजे से पहले उठना चाहिए सबसे कम दोस्तों। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों तो दोस्तों 4 बजे उठ जाते हैं, कोई कोई तो 2 बजे उठ जाते हैं दोस्तों। शरीर स्वस्थ रखने के लिए जल्दी उठना ज़रूरी है, नहीं तो आपके शरीर रोगी बन जाएगा। सभी सुबह जल्दी उठ के योगा एक्सरसाइज व्यायाम आदि करो, प्राणायाम करो दोस्तों, शरीर को फिट रखो। और हाँ, जिसका पेट साफ नहीं होता वो और एक भी काम कर सकते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है, ये मैं भी करता हूँ दोस्तों, और बहुत ही भाइयों को सलाह देता हूँ दोस्तों। रात की भोजन के बाद आपको थोड़ा सा दूध खाना है, गुनगुना दूध खाना है, ठीक है। उसके बाद सुबह पेट आपका बहुत ही साफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज की वीडियो यही तक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, वीडियो में कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।